कैसे हैं फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस फोटो को क्लियर कैसे कर सकते हैं और ऐसा कैसे बना सकते हैं। हम यहां पर कोई पेड सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करेंगे। हम जो सॉफ्टवेयर यहां पर यूज करेंगे उसका नाम है गिम्प और ये एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर को आप फ्री में कमर्शियली भी यूज कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर रिपब्लिक टेक पीसी वॉर्स मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें कि मैं शो करूंगा आपके पीसी सेटअप को। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर से पार्टिसिपेट कीजिए। पीसी वॉर्स में कैसे पार्टिसिपेट करना है उसका लिंक मिल जाएगा आई बटन में, तो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं रिपब्लिक टेक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस फोटो को गिम्प में ओपन कर लेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले गिम्प को ओपन करेंगे, फिर यहाँ से इस फोटो को ड्रैग करके इस पर ड्रॉप कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर फाइल पर क्लिक करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोटो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, हीलिंग टूल सेलेक्ट कर लेना है। हीलिंग टूल सेलेक्ट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। ये टूल अगर यहाँ पर नहीं होता है तो आपको सिंपली एच प्रेस करना है और हीलिंग टूल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। फिर भी अगर ये हीलिंग टूल आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करेंगे। फिर टूल्स पर क्लिक करने के बाद पेंट टूल्स में आके यहाँ से हीलिंग को सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। जो ब्रश यहाँ पर होने वाला है वो आप यही वाला सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको इसका साइज डिक्रीज करके कर देना है 3। फिर आप यहाँ से वो बेस्ट पार्ट सेलेक्ट करेंगे फोटो का, जहाँ से आप हीलिंग स्टार्ट करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो पार्ट है ये सबसे बेस्ट पार्ट है हीलिंग स्टार्ट करने के लिए। तो हम यहाँ से सबसे पहले कंट्रोल पर प्रेस करके इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से हीलिंग स्टार्ट कर देंगे क्लिक करते करते। तो हमारा ये इनिशियल प्रोसेस है, आपको यहाँ पर क्लिक बाय क्लिक करना है। तो हम एक एरिया क्रिएट करेंगे बड़ा सा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पार्ट अभी क्लियर हो चुका है। फिर हम ब्रश के साइज को इंक्रीज करेंगे 5। फिर एक बड़ा एरिया सेलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक करना है, तो आपका एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप इसी को सेलेक्ट करके बाकी एरियाज को हील करेंगे, तो यहाँ पर एक बड़ा एरिया हील हो चुका है। लेकिन आपको ध्यान देना है ये बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। अब हम इसका ब्रश साइज और इंक्रीज करेंगे, इसको मैंने कर दिया है 10। तो हम सबसे पहले उस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक करके, फिर आप बाकी एरियाज को भी हील करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट था ये क्लियर हो चुका है। अब आप चाहे तो यहाँ पर ब्रश के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल ब्रश के साइज को इंक्रीज नहीं करूंगा। ये सेम प्रोसीजर अब आपको फॉलो करना है। अब हम ब्रश के साइज को इंक्रीज करेंगे, जो कि मैंने कर दिया है 20। ओके, इसको 25 कर देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका ज्यादातर पार्ट क्लियर हो चुका है। इसको अब हम और थोड़े अच्छे से क्लियर करेंगे।
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इस फोटो को ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है। तो अगर आप इसको और भी ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं तो आपको और भी यहाँ पर हार्डवर्क करना होगा, फिर ये और भी क्लियर हो जाएगा। मैंने इसे नियरली 5 मिनट्स में ऐसा बना दिया है। तो अगर आप थोड़ा और अच्छे से वर्क करते हैं तो इसको और भी क्लियर कर सकते हैं। अब हम सिंपली फाइल पर क्लिक करके इस फोटो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो आप यहाँ पर इन दोनों फोटोज़ का साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हैं कि इन फोटोज़ में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों फोटोज़ का डिफरेंस, इन दोनों फोटो में बहुत ही अच्छा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा कोई भी फोटो आप क्लियर कर सकते हैं। जनरली तो किसी का फोटो इतना खराब नहीं होता है कि आप उसे क्लियर ही ना कर सकें, इससे तो बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और पीसी रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।